सभी इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के हमारे सभी दोस्त, आप सब लोगों को यहाँ आमंत्रित किया गया। एक गंभीर मुद्दा जिसको कल हम सब लोगों ने सदन में भी उठाया था और विपक्ष की अपेक्षा थी कि माननीय मुख्यमंत्री जी और जो मंत्री जिन पे आरोप लगे हैं या जिनके भाई पर FIR हुआ है वो उत्तर देंगे। आप सब लोग जानते हैं कि राम सूरत राय जो मंत्री हैं उनकी एक प्लॉट पर जहां स्कूल चलता है वहां से भारी मात्रा में शराब की बरामदगी हुई है। लगातार नीतीश कुमार जी कहते रहे हैं कि शराबबंदी पूरी तरीके से सफल है और हम लोगों ने भी कई बार शराबबंदी की असलियत को आप लोगों के सामने भी साझा किया है। नीतीश जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% दागी मंत्री हैं, टेंटेड मिनिस्टर हैं। और ये केवल हम ही लोग नहीं कह रहे हैं, कई जाने माने अखबारों में भी ये बातें निकल करके आई और कई एक मंत्रियों के सामने जो है एक गंभीर मसला सामने आता है लेकिन कार्रवाई नहीं होती है। कई ऐसे मंत्री हैं जिन पे बलात्कार के, अपहरण के, मर्डर के गंभीर मामले भी हैं। हम लोगों ने सदन के पटल पे भी कई बार जो है सबूत को रखने का काम किया और जब नीतीश कुमार जी को हम लोग जब बोलते हैं तो नीतीश जी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे उनको कुछ खबर ही नहीं हो, कुछ पता ही ना हो, एकदम अनजान बने जाते हैं। इसलिए हम लोग लगातार इस बात को कहते रहे हैं। पिछले बार भी आपने देखा होगा जब विधानसभा की शुरुआत हुई थी तो मेवालाल चौधरी जी को मंत्री बनाया गया था, नीतीश जी को कोई खबर ही नहीं था उनके घोटाले के बारे में लेकिन उन्होंने मंत्री बना दिया था। इसलिए हम लोगों ने कहा कि इस्तीफा होना चाहिए, बर्खास्तगी होनी चाहिए, लेकिन मेवालाल चौधरी जी को हटा करके किसको बनाया गया? अशोक चौधरी जी को शिक्षा मंत्री बनाया गया। जो उनकी बोर्ड की जो मीटिंग हुई, जो कंपनी में धांधली हुआ था उनका, उनकी पत्नी का भी जिसमें नाम था, जो कोर्ट में भी, सुप्रीम कोर्ट में भी पेंडिंग है केस, बाकायदा सबूत थे कि माननीय अशोक चौधरी जो मंत्री हैं वो बाकायदा जो है मीटिंग जो है बोर्ड मीटिंग वो अटेंड करते थे, ऑन रिकॉर्ड है वो। लेकिन फिर भी जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुछ दिन पहले एक मंत्री हैं जिनके भाई पूरे बिहार घूम रहे थे, सरकारी कर्मचारी सरकारी कार्यक्रम में जाकर के उद्घाटन करना कोई एक जिला की बात नहीं थी, लगभग जो है 15-20 जिला जा करके उद्घाटन किया गया लेकिन नीतीश कुमार जी ने कोई कार्रवाई नहीं की। कल जो हम लोगों ने सदन पे जो मामला उठाया है राम सूरत राय जी का, आप बाकायदा देखिएगा, कोई हम लोग आरोप लगाने के लिए आरोप नहीं लगा रहे लेकिन ये FIR की कॉपी भी है हमारे पास। कल ये सदन में भी हम लोगों ने रखने का काम किया जो FIR की कॉपी है, इसमें बाकायदा गाड़ी नंबर, कौन से ट्रक से, कहाँ, कितना क्वांटिटी में, क्या क्या दारू, कैसे क्या क्या मिला, इसमें आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। अब हमारा कहना है कि वहां जो विद्यालय है वहां के जो संस्थापक हैं वो जो है राम सूरत राय हैं, व्यवस्थापक जो है वो उनके भाई हंसलाल जी हैं। ये अगर आप नाम देखें तो संस्थापक में राम सूरत राय,
और व्यवस्थापक में इनके भाई हंस राय ये, और ये जो है उनकी स्कूल जहां से शराब की जो बरामदगी जो हुई है ये। तो हम लोगों का ये कहना है कि जब सब कुछ है, सबूत है, सब कुछ है, तो विधानसभा में भी मंत्री ने कोई स्पष्टीकरण नहीं दी, ना मुख्यमंत्री ने स्पष्टीकरण दी। ये इससे ज्यादा गंभीर मसला और क्या हो सकता है। बिहार के डीजीपी ने कई बार कह रखा है, जो इसमें पूर्व में जो डीजीपी थे उन्होंने क्या कहा था कि कई थाने जो हैं वही शराब की बिक्री करवाने का काम करते हैं। और अभी एक एजेंसी है उसके रिसर्च स्टडी को लेकर के अभी बातें आई हैं, बिहार में लगभग जो है 30 लाख लीटर से अधिक शराब जो है लाया जा चुका है बिहार में। तो 30 लाख ही नहीं बल्कि मेरा मानना है कि 50 लाख से भी लीटर से भी अधिक आया होगा। ये इंडिया स्पेंड नामक की एक एजेंसी है और पुलिस खुद स्वीकार करती है कि 9 लाख शराब की बरामदगी जो है उन्होंने करने का काम किया है। अब सवाल ये उठता है कि जब 9 लाख शराब अगर पुलिस मान रही है कि आया है, मान लीजिए पटना में बरामदगी हुई है, तो 10-15 जिला होकर के आया होगा, तो 10-15 जिला होकर के कैसे आया भाई? आपने जो क्या क्या कार्रवाई की उस पे लेकर के? अगर आप दूसरी ओर अगर आप देखिएगा शराबबंदी में क्या माहौल बना हुआ था कि जदयू के कई ऐसे विधायक हैं जो शराब के नशे में ठुमके लगा रहे थे, बार बालाओं के साथ नाच रहे थे, जो जदयू के एमएलए थे, हम सब ने भी देखा, आप लोगों ने भी देखा है, लेकिन अब तक जो है क्या कार्रवाई हुई है? यह गंभीर मसला है। यानी कंट्रोल किसका है? पूरे एडमिनिस्ट्रेशन पे कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, पार्टी में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, सरकार में कंट्रोल है नीतीश कुमार जी का, लेकिन किसी पे भी कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। कौन नहीं कर रहा? अनजान कौन है इन सब मसलों से? नीतीश कुमार जी भाई, कैसे आप सरकार चला रहे हैं? कैसे आप पार्टी चला रहे हैं? क्या आपके मंत्री यों का आपको जो पता नहीं होता? तो इसलिए हम लोग लगातार इस मसले को उठाते रहे कि एक बिहार में एक पैरेलल मार्केट बन गया शराब को लेकर के, लगभग 20,000 करोड़ का एक ब्लैक मार्केट अलग से बन गया। आजकल सबसे अच्छा व्यवसाय करना, सबसे मुनाफेमंद व्यवसाय करना हो गया शराब की बेची बिक्री करो, सबसे ज्यादा मुनाफा अगर होगा। और आप बताइए, मंत्री जी का स्कूल है ये, जो पिक्चर जो आप देखेंगे ये मंत्री जी का स्कूल है। अब ये स्कूल है श्री अर्जुन मेमोरियल ज्ञान विद्या मंदिर, नाम सुनिए, ये ज्ञान विद्या मंदिर है। और इस ज्ञान विद्या मंदिर में मंत्री जो है वो शराब बिकवाने का काम कर रहे हैं। क्या स्थिति बनी हुई है पूरे बिहार की? क्या संदेश जाएगा? और कार्रवाई बड़े लोगों पर नहीं होती, जो वंचित समाज के जो लोग हैं, जो गरीब है, जो मजदूर है, जो किसान है, जिनके पास पैसा नहीं है कि वो बेल करा सके, बिना ट्रायल के जो लोग जेल में हैं, अधिक से अधिक दलित परिवार, महादलित, अति पिछड़ा समाज के लोग ज्यादा से ज्यादा भर्ती है जेल में, लेकिन क्या कार्रवाई की गई? तो हम लोग तो ये सवाल लगातार उठाते रहे। ये कोई सवाल शराबबंदी अच्छा नियम है या बेकार नियम है इसकी नहीं है, ये है कि अगर कानून बना है तो उस कानून को आप जो है लागू करवा पा रहे हो कि नहीं करवा पा रहे जमीनी स्तर पे ईमानदारी से। जो दोषी है वो जेल में रहे, लेकिन जो निर्दोष है वो बाहर रहना चाहिए। हम तो पूछना चाहते हैं, जो ये एजेंसी कह रही है 30 लाख लीटर अगर शराब आए हैं
तो किसकी जिम्मेदारी है? और आपके एमएलए मंत्री से लेकर के सब जो है दारू बिकवाने का काम कर रहे हैं, एफआईआर तक हो जाता है, सब कुछ हो जाता है, एविडेंस दे दिया जाता है, तो भी नीतीश कुमार जी बेबस नजर आते हैं सामने। नीतीश जी की ऐसी हालत होगी कि इनसे ज्यादा कमजोर बेबस मुख्यमंत्री बिहार में नहीं आज तक मिला, या पूरे देश में आप कह लीजिए कितना कमजोर थका हुआ बेबस मजबूर मुख्यमंत्री इस देश में और कोई नहीं होगा जितना नीतीश कुमार जी। आखिर क्या आपत्ति है भाई? आपको इतना एविडेंस होने के बाद भी जो है आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको वजह तो बतानी पड़ेगी। होम डिपार्टमेंट आपके अंतर्गत आता है, होम मिनिस्ट्री भी आपके अंतर्गत आता है, क्या कार्रवाई की गई? और जिन कुछ अधिकारियों पर भी जो कार्रवाई की गई है वो अधिकतर से अधिकतर जो है वो वंचित समाज के, एक तरह से बस दिखाया जाता है कि इतनी शराब जो है पकड़ा दी गई, लेकिन ये सोर्स कहां से है, ये आता कहां से है शराब? तो हम तो कह रहे कि जो शराब माफिया हैं, असली में शराब बंदी नहीं हुई है बिहार में, असली माफिया बिहार का शराब माफिया अगर कोई है तो नीतीश कुमार जी है। और हम लोग चाहते हैं कि तुरंत जो है मंत्री राम सूरत राय जी को बर्खास्त किया जाए, वो आए स्पष्टीकरण दे, सबूत पेश करें कि मामला क्या है, और इससे कोई अगर जुड़ा मामला है आप लोगों के पास तो आप लोग पूछ सकते हैं। नहीं नहीं हम तो कह रहे हैं मजबूर हैं, बेबस हैं, कमजोर हैं, थके हुए हैं, अब वजह तो वही बता पाएंगे। नहीं इसमें नाम क्या आना है, अब क्या बचा? स्कूल के संस्थापक वो हैं, उनके भाई जो हैं उन पे एफआईआर है, और क्या आपको चाहिए? तो ये तो बड़ा गंभीर मसला, जमीन उनकी है, शराब वहां से मिली है, जवाब तो बनेगा अगर बिहार सरकार में मंत्री हैं उनके भाई पे एफआईआर होती है तो। अरे कहने और तो कागज हाउसों में कहते, जरा विधानसभा में सबूत के साथ कह रहे हैं कि कोई किराएदार है, किसी को किराए पे चढ़ा, एग्रीमेंट आप देखे हैं, हम देखे हैं, आप मान लीजिएगा क्या बोलने से? तो और क्या है, बिहार में अगर एजेंसी सर्वे कर रही है, अगर 30 लाख लीटर शराब आया है और बिहार के पूर्व डीजीपी कहते हैं कि इसमें थाने का इन्वॉल्वमेंट है, मंत्री शराब उनके अड्डों से शराब मिलता है, जदयू के एमएलए शराब पीते हैं, इससे पहले कई एक शराब माफियाओं के साथ 2 साल पहले नीतीश कुमार जी का फोटो हमने ही रिलीज किया था सीएम हाउस में ड्राइंग रूम से, आरा के जो थे माफिया, आप लोग भूल जाते हैं, फिर भी किसी पे कार्रवाई नहीं होती है, तो जो संरक्षण देगा क्यों दे रहा है, यानी उसका कहीं ना कहीं से इन्वॉल्वमेंट है। अरे कहने पे आप लोग क्यों जाते भाई, वो आपको चैलेंज कर रहा है, लिख तंग के आगे बकतंग काम नहीं ना करता है, वो चैलेंज दे रहे हैं रश्मि यादव। अरे ऐसा ऐसा चैलेंज देते रहे ना भाई, हमको क्या चैलेंज कर रहे हैं, उनको तो स्पष्टीकरण एविडेंस आपको दिखाया, कुछ कागज दिखाया। अरे आरजेडी के नेता इसमें क्या बताएंगे भाई, वही बताए ना, उनकी जमीन है, जमीन उनकी है कि नहीं है, उनके पिता के नाम पे है कि नहीं है, उनपे भाई पर एफआईआर है कि नहीं है, वो बिहार सरकार में मंत्री है कि नहीं है, वो इस संस्था के संस्थापक हैं कि नहीं है, इस विद्यालय के
और क्या बचता है? तेजस्वी जी, सदन में जवाब नहीं आया क्या इस मामले को लेकर? आप सड़क तक जाएंगे अपने कार्यकर्ताओं को? नहीं, हमने कहा एक आध मंत्रियों की बात नहीं की, हमने कहा है नीतीश कुमार जी के मंत्रिमंडल में लगभग 64% मंत्री जो हैं वो दागी हैं, जिनपे कई पे गंभीर मामले भी चल रहे हैं। और यही नहीं, मेवालाल चौधरी का नीतीश जी को कहाँ पता था, मुकेश सहनी जी का भाई उद्घाटन फिरते चल रहे हैं वो कहाँ पता था, अशोक चौधरी जी का कहाँ पता था। और जितने 64 मंत्री बने हैं ये तो बाकायदा एफिडेविट ना देते हैं, फिर भी मुख्यमंत्री को नहीं पता था बनाने से पहले, वो तो एकदम अनजान हो जाता है। अरे हम कहाँ पता है हमको तो, अरे चुनाव की बात नहीं, यहाँ तो भैया नीतीश कुमार जी के पास गृह डिपार्टमेंट है, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, शराबबंदी लागू है, तो मंत्री अधिकारी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं, उनके MLA इन्वॉल्व हैं, तो उनको तो जवाब देना चाहिए ना। देखिए हमको इन सब चीजों पे नहीं कहना है, कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना। तेजस्वी जी, आपने कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के सबसे बड़े शराब माफिया हैं, आपने कहा कि 20,000 करोड़ की पैरेलल इकोनॉमी है, पप्पू यादव इसे 50,000 करोड़ बताते हैं, रकम जो भी हो, क्या ये सारी जो अवैध जो पैरेलल इकोनॉमी है, पैसा है, नीतीश कुमार जी के पॉकेट में जाता है? अब कहां जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं? किसी ना किसी के पास तो जा रहा है, और जब जा रहा है तो ये तो सरकार की जिम्मेदारी कि इसको ढूंढे। अगर पैरेलल मार्केट, अगर ब्लैक मार्केट बना है, चाहे 20,000 करोड़ का हो या 50,000 करोड़ का, तो इसमें तो सरकार को कार्रवाई करनी है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो शक तो उन्हीं पे जाएगा कि वो संरक्षण दे। नहीं, इसमें तो हम लोगों ने पहले भी ट्वीट किया ही है, कल रात में हमने देखा, और इसकी कितनी भी निंदा की जाए वो कम है। और चुनाव जब आता है तो तरह तरह के हटकंडे जो है भाजपा के लोग जो है वो इस्तेमाल करते हैं। पिछले ही चुनाव में देख लीजिए, हम पे मुकदमा कर दिया था, हत्या का उल्टा सीधा आरोप लगाया था। अब कल की जो घटना हुई है ये गंभीर मसला है, और अब तो ये मामला TMC जो है इलेक्शन कमीशन शिकायत करेगी, तो उसमें अब इलेक्शन कमीशन देखते हैं कि क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन एक बहुत ही गंभीर मसला है, एक मुख्यमंत्री पर इस तरह पे हमला हम लोग देख रहे हैं, जो लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है, लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं है। हम तो कह ही रहे, कोई कसर नहीं छोड़ती है। अब BJP अब कुछ भी कहे, अभी इलेक्शन कमीशन के पास ये गया है शिकायत, अब इलेक्शन कमीशन में शिकायत गया है तो जरा देख लीजिए। मुकेश सहनी जी थोड़ा नाराज चल रहे हैं सरकार से, तो क्या मान लिया जाए कि अब जो उनके पीठ में छुरा भूखने का जो आरोप लगाया था वो जख्म भर गया? नहीं, हमको उस पर टिप्पणी नहीं, अभी तो बताना ना चाहिए कि भाई क्या कार्रवाई हुई है उन पर। बाकायदा मुख्यमंत्री जी को तो इस्तीफा लेना चाहिए था, लेकिन असफल रहे। ठीक है, कहाँ तो अभी खत्म हो गया क्या 5 साल? अभी थोड़ा इंतजार कीजिए, तो बाद में इस सब चीजों पे चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ये अति मसला अति गंभीर है, हम लोग तो चाहेंगे कि भाई जा करके आप लोग भी थोड़ा सबूत ढूंढिए। रालोसपा के जदयू में शामिल होने की बात कही जा रही है, रालोसपा मजबूत होगी, जदयू मजबूत होगा? एक कयासों पे अभी बात नहीं किया जाता जब तक पूरी तरीके से ऑथेंटिक नहीं।